जगत के कई स्टार्स जिनके अफेयर की चर्चा काफी समय तक बनी रही और इस प्यार में उन्होंने सारी हदें पार की, लेकिन बाद में इनका अंजाम क्या हुआ तो आइए जानते हैं। पहले नंबर पर है ऐश्वर्या राय। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का रिश्ता सलमान खान के साथ बहुत गहरा था। ऐश्वर्या अपने परिवार के खिलाफ जाकर सलमान खान से शादी करना चाहती थी और इसी वजह से दूसरे फ्लैट में अकेली भी रहती थी, मगर सलमान के ओवर पजेसिव नेचर के कारण ऐश्वर्या ने उन्हें छोड़ दिया और आज तक सलमान अकेले हैं। सलमान ने शादी तो नहीं की, लेकिन ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली और अब उन्हें एक बेटी भी है। दूसरे नंबर पर है तब्बू। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस तब्बू ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि कुछ समय पहले वे अजय देवगन के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी थी, लेकिन उनका प्यार बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाया। इस वजह से वे कभी भी शादी नहीं कर पाई और 45 साल की उम्र में भी वे बिल्कुल अकेली हैं। नंबर 3 पर है जया प्रदा। 80 के दशक में जया प्रदा का भी अपना एक जलवा था। उनके ऊपर न जाने कितने मरते थे, लेकिन उनका दिल एक शादीशुदा पर आ गया जिसके पहले से ही 2 बच्चे थे। उस फिल्म प्रोड्यूसर का नाम श्रीकांत नाहटा था। जया प्रदा श्रीकांत नाहटा से बेहद मोहब्बत करने लगी थी और उनसे शादी भी कर ली, क्योंकि श्रीकांत ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था तो वो अपनी सौतन के साथ ही रहने लगी थी। चौथे नंबर पर है आमिर खान। बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता आमिर खान का दिल फिल्म लगान की को डायरेक्टर किरण राव पर आ गया था। उन्होंने अपनी पहली शादी की परवाह किए बिना किरण से शादी का ऐलान कर दिया था। उनकी पहली शादी 1986 में हो चुकी थी और वे 2 बच्चों के पिता भी थे, मगर प्यार में हद पार करने वाले आमिर ने अपनी शादी तोड़कर किरण से शादी कर ली। आपको बता दें कि आमिर ने अब किरण को भी तलाक दे दिया है और इसकी वजह आमिर का अपनी दंगल की को स्टार फातिमा सना शेख के साथ अफेयर बताया जा रहा है। नंबर 5 पर है धर्मेंद्र। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र की शादी 19 साल की उम्र में ही हो चुकी थी। उनके 4 बच्चे भी थे, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उनका दिल हेमा मालिनी पर आ गया और धर्मेंद्र की पहली पत्नी के तलाक ना देने के बावजूद धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से शादी कर ली थी। डेली बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।